गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर प्रियंका चौहान, वर्किंग एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर इन RPIT टेक्निकल एंड मेडिकल कैंपस। आज हम बात करेंगे डीप वेन थ्रोम्बोसिस एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म के बारे में। तो सबसे पहले हम करते हैं DVT। ठीक है, DVT के साइन एंड सिम्टम क्या होते हैं? जब डीप वेन थ्रोम्बोसिस होता है तो उसमें एसिमेट्रिकल इडिमा हो जाता है, काफ स्वेलिंग होती है, मॉम्थनेस हो जाती है, लोकलाइज्ड पेन होता है और अरिथमा हो जाता है। ठीक है, अब डीप वेन थ्रोम्बोसिस में क्या होता है वेंस में, जैसे कि इसके नेम से ही पता चल रहा है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस यानी जो डीप वेन्स होती है वहाँ पे थ्रोम्बस होता है। ठीक है, जैसे अब ये वेन्स है, नॉर्मल जो वेन होती है उसमें वेल्व्स होते हैं जो कि बैक फ्लो ऑफ ब्लड को प्रिवेंट करता है, और लेकिन DVT की केस में क्या होता है कि यहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है जो कि एक नेटवर्क होता है फिब्रिन, प्लेटलेट्स, इन सब की वजह से जब क्लॉटिंग एक्सेस में हो जाती है। हमारा नॉर्मली जब हमें इंजरी होती है तो उसमें क्या होता है, हीमोस्टेसिस होता है जिसमें एक क्लॉट बन के ब्लड फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, बट जब वो एक्सेस में क्लॉटिंग हो जाती है तो वो थ्रोम्बस बन जाता है। तो ये डीप वेन थ्रोम्बस क्या है, डीप वेन के अंदर थ्रोम्बस। ओके, अब इसके मेन इटियोलॉजी, इसका मेन जो रीज़न है वो वेट्रोट्राइड्स होते हैं। इसमें सबसे पहला रीज़न है वेसल इंजरी। अगर एंडोथेलियल इंजरी हो जाती है तो एक्सेस में ये सारे प्लेटलेट्स जो होते हैं वो क्लॉट वो करके थ्रोम्बस बनाते हैं। नेक्स्ट है वीनस स्ट्रेसेस। वीनस स्ट्रेसेस यानी जब एबनॉर्मल ब्लड फ्लो होता है तो धीरे धीरे जैसे ब्लड फ्लो जो उसको हम वो जब डिस्टर्ब्ड होता है फ्लो ऑफ ब्लड तो वहाँ भी थ्रोम्बस बन जाते हैं। नेक्स्ट है हाइपरकोगुलेबिलिटी, जो कि कई सारे डिसऑर्डर्स होते हैं ब्लड्स के जिनके वजह से क्लॉटिंग एक्सेस में हो जाती है। अब एक बार जब थ्रोम्बस बन गया है, नाउ इसके फेट क्या होते हैं, इसमें क्या क्या हो सकते हैं? एक तो प्रोपगेशन हो जाता है जिसमें क्या होता है कि थ्रोम्बस वेसल के अलॉन्ग ग्रो होता है, प्रोपोगेट होता है। नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, वो एक जगह ऑर्गेनाइज हो जाता है। तीसरा, वो वहाँ से डिसलॉज होकर, डिटैच होकर एम्बोलस बन जाता है। ठीक है, एंड लास्ट है वो रिजोल्यूशन हो जाती है थ्रोम्बस की। अब जब ये एम्बोलस बन जाता है डीप वेन में थ्रोम्बस वहाँ से हटके, इसको हम कहते हैं एम्बोलस। एम्बोलस ट्रेवल करेगा वो इन्फीरियर वेना कावा के थ्रू हार्ट पे, फिर उसके बाद वो पल्मोनरी सर्कुलेशन में पहुंच जाएगा जहां पे वो लंग्स में लॉज हो जाता है और क्या करता है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर देता है। ओके, अब पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या होता है कि वहां पे जब कुछ टिश्यूज़ को इन्फार्क्ट भी कर देता है क्योंकि ब्लड सप्लाई रुक जाती है, इसमें पेन होता है चेस्ट में, ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है, तो हमारा जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें जो थ्रोम्बस एम्बोलस होता है, हमारा एम्बोलस होता है वो लॉज होता है, वो होता है लंग्स टिश्यू में, पल्मोनरी सर्कुलेशन में। ठीक है, और इसमें सडन डेथ भी हो सकती है। अब हमारे जो DVT के रिस्क फैक्टर हैं वो क्या क्या होते हैं, मेनली प्रेगनेंसी में जैसे कि वो एब्डोमेन का ओवरवेट होता है तो वो यहाँ पे इन्फीरियर वेना कावा पे प्रेशर डालता है जिसकी वजह से DVT हो जाए। ओबेसिटी का केस हो, इमोबिलाइजेशन का केस हो, यानी बहुत टाइम तक या तो पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड हो, इमोबाइल हो, लाइक बहुत ज़्यादा जब सर्जरीज़ के केस होते हैं तो उस टाइम पे वीनस नेचुरली उसका ब्लड जो फ्लो है वो ठीक नहीं होगा, उसमें वो स्लो होगा ब्लड फ्लो, तो थ्रोम्बस बनने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। अब हमने पल्मोनरी एम्बोलिज्म तो पढ़ लिया, उसी तरह हमारा फैट एम्बोलिज्म होता है, एयर एम्बोलिज्म होता है, एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, सिस्टमिक एम्बोलिज्म होता है। ठीक है, फैट एम्बोलिज्म क्या होता है कि जब कुछ फैट ग्लोब्यूल्स जो होते हैं वो कैपिलरीज या आर्टरीज को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं, तो जो फैट एम्बोलिज्म होता है वो कब होते हैं, जब फ्रैक्चर ऑफ लॉन्ग बोन होते हैं और कुछ एडिपोज टिश्यू जो होते हैं वो ब्रेक डाउन होके आर्टरियल्स और कैपिलरीज में ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं ब्लड फ्लो को। उसके बाद आता है एयर एम्बोलिज्म। एयर एम्बोलिज्म में क्या होता है, गैस बबल्स होती हैं जो ऑब्स्ट्रक्ट करती हैं ब्लड फ्लो को, कुछ स्मॉल जो वॉल्यूम ऑफ एयर होते हैं वो ट्रैप्ड हो जाती है कॉरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी के टाइम पे। ऐसे ही ये एक दो एग्जांपल है जब एयर एम्बोलिज्म होता है। उसके बाद एमनियोटिक फ्लूइड एम्बोलिज्म होता है, इसमें क्या होता है कि पोस्टपार्टम पीरियड में या ड्यूरिंग लेबर के टाइम पे क्या होता है, ड्यूरिंग लेबर या पोस्टपार्टम टाइम पे जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है या फिर कोई भी फीटल टिश्यू वो इन्फ्यूजन हो जाता है मैटरनल के सर्कुलेशन में, और वहाँ पे कैसे होता है, या तो यूटराइन वेन की रप्चर से या फिर प्लेसेंटा मेम्ब्रेन की रप्चर से, और वो ऑब्स्ट्रक्शन करेंगे आर्टरीज में। इसके साथ ही जब हम थ्रोम्बस पढ़ रहे थे, थ्रोम्बस हमेशा दो टाइप्स के होते हैं, आर्टेरियल थ्रोम्बाई एंड वीनस थ्रोम्बाई।
आर्टेरियल थ्रोम्बाई मेनली आर्टरीज और हार्ट में होते हैं और वीनस थ्रोम्बाई वेन्स में, और ये हमेशा रिट्रोग्रेड फ्लो करते हैं और वीनस थ्रोम्बस हमेशा ग्रो करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ ब्लड। अब इस तरह से आपको ये पता चल गया कि कैसे ये इंटर रिलेटेड हैं। सबसे पहले हमारा जब थ्रोम्बस बनता है, अगर वो डीप वेन में बन रहा है थ्रोम्बस, तो हम उसे कहते हैं डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और थ्रोम्बस दो तरह का होता है, आर्टेरियल एंड वीनस। अब डीप वेन थ्रोम्बस से जब थ्रोम्बस एम्बोलाई बन जाता है, एम्बोलस बन जाता है, वहाँ से डिसलॉज होके जब वो पल्मोनरी लंग्स तक पहुँच जाता है थ्रू हार्ट, तो वहाँ पे वो पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, ठीक है। और डीप वेन थ्रोम्बोसिस के मेन फीचर्स मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्या होता है, और ये रिस्क फैक्टर्स हो गए। तो इसके साथ ये तीनों कैसे इंटर रिलेटेड हैं ये यहाँ पर ख़त्म होता है। ओके भाई।